इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे कि 25 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के भीतर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? तो उत्तरी कोरिया का परीक्षण है ये, पानी के भीतर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का हमला। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नया सदस्य बना है? तो मिस्र, मिस्र जो है वह बना है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। मिस्र ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। यहाँ पर पहले से ही रूस, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील है, अब मिस्र का स्थान आ गया है, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और है दक्षिण अफ्रीका। ये पांच देश शामिल हैं, अब नया देश भी आ गया है। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो 2010 में। ब्रिक्स के पहले बैठक हुई थी 2009 में। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। एनडीपी, एनडीपी की स्थापना 15 जुलाई 2015 में हुई थी। इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको इजिप्ट दिख रहा है। मिस्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। मिस्र की राजधानी कायरा है। मिस्र की जो मुख्य मुद्रा जो है वह मिस्री पाउंड है और राष्ट्रपति है अलसीसी, याद रखिएगा। नील नदी का वरदान किसे कहता है? मिस्र को। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी? विक्टोरिया। आसमान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है, आप सभी जानते होंगे। निम्न में कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान पहला राज्य बन गया है, राजस्थान। तो राजस्थान है ये जो पहला राज्य है, और राज्य विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। इसके तहत राज्य के निवासी सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में ओपीडी सेवाएं और आईपीडी सेवाओं का मुफ्त लाभ उठा सकेंगे। साथ ही चुनिंदा निजी हॉस्पिटल में भी इसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में राजस्थान राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल है कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। देश का पहला लेटेस्ट करेंट अफेयर्स है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में। भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किसने पेश किया? तमिलनाडु में। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क महाराष्ट्र में। राज्यभर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य है केरल में। राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजस्थान का की राजधानी जयपुर, अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा, विधानसभा एक सदस्य। तो ये सीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर, देख लीजिए कहाँ पर है जयपुर है। और ये सब है इसमें। राजस्थान के बारे में देख रहे थे। प्रमुख नदी जो है माही, बनास, लूनी, चंबल है। प्रमुख बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। प्रमुख पर्यटन स्थल है माउंट आबू और दिलवाड़ा मंदिर है। अब देखते हैं कि वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकर 2023 भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ये तो कोंकर 2023 से भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच आयोजित हुआ है। ये अरब सागर में हुआ है 20 से 22 मार्च के बीच। भारत और ब्रिटेन के अन्य अभ्यास भी है, इंद्रधनुष और अजय वॉरियर, कुछ जान लेते हैं। इसके अलावा भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ? तो मिस्र इसका आंसर होगा, साइक्लोन है मिस्र। मिस्र। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास काजिंद 2022 में कहाँ हुई है? रमरोई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काजिंद, काजिंद है 2022, भारत पाकिस्तान कजाकिस्तान। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 वकलो। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2022 का आयोजन है विशाखापट्टनम में हुआ।
देखते हैं अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ हुआ है। तो न्यू दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 24 मार्च को नई दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बनता यहाँ पर। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है भारत। किस राज्य के मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर वृक्ष संपदा योजना का तो शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार 5 एकड़ पर तक वृक्षारोपण के लिए पूर्ण अनुदान और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 50% आर्थिक अनुदान प्रदान करेगी। परीक्षा उपयोगी है मुख्यमंत्री मितान योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना और भी है इसमें। आमा बहिनी योजना किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। काल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। काल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। यह पहला डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन द्वारा की गई है। इसके अलावा क्या बताया गया है? इस ऐप का पाइपलाइन तथा तार जैसी भूमिगत सेवाओं को नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये भी है। किस राज्य में एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने का एमओयू साइन हुआ है? हिमाचल प्रदेश का। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? पीयूष गोयल। इम्पोर्टेंट नहीं है। वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अमित शाह ने किया है। पानी के भीतर हमला करने वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। देखिए, पानी के भीतर सुनामी लाया जा सकता है। युद्ध के समय दुश्मन की सेनाओं सेना को तबाह करने के उद्देश्य से इसमें हमला किया जा सकता है। पानी के भीतर हमला करने वाले। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पाद क्षेत्र कौन सा है? पिट्सबर्ग है। ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है न्यूकैसल। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। किस देश में सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया गया? चीन में। और विश्व के अखबारी कागज सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कनाडा। जापान का मैनचेस्टर ओसाका जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? जापान। ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? डेयरी फार्म और मांस। किस देश का लौह इस्पात उद्योग आयातित कोयला प्रदायित है? फ्रांस का है ये। और विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया? स्कॉटलैंड में। खबरों में यही रही, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन के बारे में तो जान ही रहे हैं। युआन, युआन जापान। भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश के प्रधानमंत्री को चंदन की लकड़ी से बनी हुई बुद्ध प्रतिमा भेंट की है?